रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ कंवल। सबसे पहले मशरिक हेडलाइंस। पाइन का पौधा लगाकर मौसम बहार, शजरकारी मुहिम 2021 का खिताब कर दिया गया है। गवर्नर बलूचिस्तान अमान उल्लाह यासीन ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेज के चेक पोस्ट पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में आवाम की अनुमान पुलिस फोर्स की अवली है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर राय। विमेन वर्सेज अलायंस डिस्ट्रिक्ट क्वेटा के स्थान में खवातीन के हकूक के हक के लिए कॉन्फ्रेंस मनाई गई है। सिद्दी बख्तियार आबाद के इलाके में तीन मोटरसाइकिलों में आपस में तसादुम के नतीजे में दो अफराद जान बहा। कलाम में सब तहसील गजट के काम होते हुए राशन की राहदारी की अदम फराहमी पर ब्रेकिंग बैरियर विमेन की जानब से पाकिस्तान में खवातीन के दिन के मुनाफर सिपाही दारों में क्वेटा में वक्त इस्तेमाल किया गया। गवर्नर बलूचिस्तान अमान उल्लाह यासीन ज़ेने जुमे के रोज गवर्नर हाउस क्वेटा के लॉन में पाइन का पौधा लगाकर मौसम बहार शजरकारी मुहिम 2021 का अफ्तिताह किया, जो एक हफ्ते तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने और उनकी मुनासिब देखभाल से न सिर्फ मौसमी बेहतरी आएगी बल्कि मुतल्लिका महकमों की मेहनत और वसाइल को जाया होने से बचा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए हमें आवाम में दरख्तों की अहमियत और फायदे का एहसास जगाना होगा। सूबाई वजीर दाखला मीर्ज़ाउल्लाह लांगो ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत की है। वजीर दाखला ने सिक्योरिटी अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। वजीर दाखला ने लांस नायक इमरान अली शहीद, सिपाही आतिफ जहांगीर शहीद, सिपाही अनीसुर रहमान शहीद, सिपाही अजीज शहीद की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश की है। पाकिस्तान पावर्टी एविलिएशन फंड PPAF ने अक्वामे मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP, महकमा जंगलात और जंगली हयात, बलोचिस्तान हुकूमत और तरक्की फाउंडेशन के इश्तराक से सूबे भर में चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन के उनवान से बड़े पैमाने पर दरख्तों की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मुहिम में क्वेटा, पशीन और नुश्की समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। सेनेट इंतखाबात में बलूचिस्तान से 12 नशस्तों पर 209 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए जुमे के रोज 12 नशस्तों, जिनमें 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अकलियती नशस्त शामिल है के लिए कुल 209 उम्मीदवारों ने, जिनमें मर्द और खवातीन और अकलियत शामिल हैं, उन्होंने दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। सिब्बी का तारीखी मजहबी सालाना तबलीगी 3 रोज़ा इज्तमा दरखान ढाडर के मकाम पर पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पज़ीर हो गया। उलमाए किराम का कहना था कि दावत और तबलीग का अज़म आप सबकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अल्लाह के रास्ते निकले। बाद हज़ार तबलीगी जमात के मरकजी रहनुमा मौलाना अहमद भट्ट ने इज्तमाई दुआ की। इस मौके पर लाखों की तादाद में फजंद इस्लाम पिंडाल के अंदर और सड़कों पर मौजूद थे। उलमाए किराम ने रो रो कर अपने रब से अपने लिए माफियाँ तलब की। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर राय ने कहा है कि अवाम की जान और माल का तहफ्फुज़ पुलिस फोर्स की अवलीन जिम्मेदारी है। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा की अवाम को दरपेश ट्रैफिक जाम, गलत पार्किंग और दीगर मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। मसाइल उस वक्त कम और ख़त्म होंगे जब पुलिस को अवाम और दीगर शुबों से वाबस्ता अफराद का ताबुन हासिल होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान और मेम्बरान की शहर में ट्रैफिक अमन व अमान और दीगर से मुतालिक तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। विमेन वर्कर्स अलायंस डिस्ट्रिक्ट क्वेटा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको लिए चलते हैं। उनके साथ हम लोगों ने जो मॉनिटरिंग की है ईवाम प्रोजेक्ट के हवाले से, उसमें कुछ चीज़ें निकाली हैं
कि सबसे पहले ज़िला क्वेटा में 86% के करीब सरकारी सनअती इदारों में जिनसी हरासानी की शिकायत के लिए तफ्तीशी कमेटियाँ मौजूद नहीं हैं। फिर दूसरा जो है 98% इदारों में अमला ख़वातीन और कानून के तहत जिचकी की मराहत नहीं दी जाती और 16% इदारों में जिचकी की छुट्टियाँ नहीं दी जाती। फिर जो है प्राइवेट और सनअती शोबों के 82% इदारों की ख़वातीन मुलाज़मीन EUBI वो बुढ़ापे की जो पेंशन है उसके तहत रजिस्टर्ड नहीं है। फिर 88% इदारों में डे केयर की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। 66% इदारों में आग बुझाने वाले आलात नहीं है और 70% में इमरजेंसी में बाहर निकलने के कोई रास्ता नहीं है, एग्जिट नहीं है। 54% इदारों में कैंटीन की सहूलत नहीं है। 72% इदारों में वर्कर यूनियन एसोसिएशन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ख़वातीन मुलाज़मीन के हकूक के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई मुनज़्ज़म प्लेटफार्म मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी मॉनिटरिंग में से आई है। तो कुछ सिफारिशात हम लोगों हर इदारे में इंक्वायरी कमेटी बराए जिनसी हरासानी के अराकीन की लिस्ट बमाए नाम और राब्ते की तफसीलात वाज़े जगह पर उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में अवेज़ा की जाए। ख़वातीन वर्कर्स के लिए जिचकी की छुट्टियाँ बमाए मुआवजा और दिगर मराहत के लिए कानून साजी की जाए। ख़वातीन मुलाज़मीन के लिए अलहदा बैतुलखला के इंतज़ाम को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की जाए। नंबर 5, ख़वातीन मुलाज़मीन के लिए डे केयर मराकज की सहूलियत जो है वो होनी चाहिए। तमाम निजी और सनअती इदारों में कम अज़ कम 5 से ज़्यादा मुलाज़मीन हो, वहाँ पर UBI जो बुढ़ापे की पेंशन है वो रजिस्टर होनी चाहिए। जाए कार पर कैंटीन की सहूलियत होनी चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत इदारों में इमरजेंसी में बाहर निकलने का रास्ता और आग बुझाने के आलात की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2015 के तहत यूनियन या एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन और ख़वातीन की मुनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। ख़वातीन कारकुनान को तहरीरी मुआहदा मुलाजमत की फरहमी जो है वो यकीनी बनानी है। ख़वातीन कारकुनान को कानून के मुताबिक तबी सहूलियात फराहम की जाए जिनमें छुट्टियाँ फर्स्ट एड हादसे की सूरत में मुआवजे की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। और 12वां जो है वो मैक्सिमम वेज के हवाले से कम अज़ कम उजरत की अदायगी के हवाले से कानून साजी की जाए। तो ये कुछ हमारे सिफारिशात हैं। वमेन वर्कर्स जो हमारे ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट क्वेटा का, ये हम लोगों ने अपने मानसून से निकाले हैं। उम्मीद है कि आप उन्हें हाईलाइट कर सकें। सनअतों, दफातर और दीगर अदारों में जिनसी हिरासा के कानून का नफाज और अदारों में हामला ख़वातीन को जिचकी के दौरान मराहत को यकीनी बनाया जाए। सिब्बी बख्तियाराबाद के इलाके में 3 मोटरसाइकिलों के आपस में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। ताहम वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। वाकई की इत्तला मिलने के बाद हाईवे पुलिस जाए वकूआ पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को भी एसयू बख्तियाराबाद मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जान बहक होने वालों की शिनाख्त मुश्तबा मोहम्मद उमैर के नाम से हुई जबकि तीसरे की शिनाख्त ताहाल ना हो सकी। कलात में सब तहसील गजक के ट्रांसपोर्टर्स ने राशन की राहदारी की अदम फराहमी पर एहतजाजन अपनी गाड़ियां बंद कर दी और एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे की क्यादत ठेकेदार मोहम्मद अमीन हलीमी ने की। मुजाहरीन का कहना था कि जिले इंतजामिया की जानब से सब तहसील गजक के लिए राशन लिए जाने की राहदारी की शर्त खत्म की जाए। राहदारी की शर्त से इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राहदारी की अदम फराहमी से इलाके में खुदनी अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। ब्रेकिंग बैरियर्स वीमेन की जानब से पाकिस्तान में ख़वातीन के दिन की मुनासबत से सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में वाक एहतमाम किया गया जिसकी क़यादत BBW की शाजिया बतून, एम करामत और दीगर ने की। क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर शुरका से खिताब में उन्होंने कहा कि हर साल 12 फरवरी को पाकिस्तान में ख़वातीन के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद ख़वातीन पर किए जाने वाले तशद्दुद की रोकथाम, बाहमी हम आहंगी के फ़रोग, तालीम नस्वा के सिलसिले में दरपेश मुश्किलात का खात्मा के लिए इकदाम करना है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashreq.com.pk।